नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। और सिरोही से बड़ी खबर की बात सबसे पहले करते हैं। आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हरियाणा निर्मित शराब को बरामद किया गया है। 5 ट्रक और 8 लग्जरी गाड़ियों में गुजरात ले जाई जा रही थी भर के ये शराब। पुलिस कमिश्नर की मॉनिटरिंग में 5 टीम गठित की गई, कार्रवाई की गई है और अवैध शराब की 1500 पेटियां यहां से बरामद हुई हैं। आबू रोड हाईवे पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर सिरोही से, आबकारी विभाग की यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एक बड़ा जखीरा अवैध शराब का पकड़ा है। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत बताई जा रही है हरियाणा मार्का ये शराब, जो कि 5 ट्रकों में लादकर 8 लग्जरी गाड़ियों के जरिए गुजरात ले जाई जा रही थी। जी मीडिया संवाददाता साकेत गोयल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। साकेत, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी कामयाबी कही जा सकती है आबकारी विभाग की, और संयुक्त रूप से चूंकि पुलिस भी रही है, तो ऐसे में क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? जी, यह 5 टीमों ने कार्रवाई की है, जो आबकारी कमिश्नर की मॉनिटरिंग में टीमें गठित की गई थी। और इन टीमों ने सरूपल से आबू रोड जाने वाले हाईवे पर करीब 5 बड़े ट्रकों और 8 लग्जरी गाड़ियों को पकड़ा था, जिसके अंदर से सारी हरियाणा ब्रांड की शराब बरामद की गई है, जो गुजराती ले जाई जा रही थी। और इस मामले में बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जहां तक बात गुजरात ले जाई जा रही थी ये शराब, ये कही जा रही है, और कुछ भी इनपुट किस तरीके से हरियाणा से लाकर और गुजरात में खपाए जाने की कोशिश की जानी थी क्या, और इनके सिंडिकेट के तार कहां कहां से जुड़ रहे पता चला? जी, लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि आबू रोड के रास्ते गुजरात शराब ले जाई जा रही है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की टीम सतर्क थी। और आज आबकारी कमिश्नर की मॉनिटरिंग में जब ये कार्रवाई हुई, तब 6 बड़े ट्रकों और 8 लग्जरी गाड़ियों को बरामद किया गया, जिसके अंदर से 1500 से अधिक पेटियां शराब की बताई जा रही हैं, और इस शराब की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक है। चलिए, बहुत शुक्रिया साकेत जानकारी के लिए।